ये हिंदुस्तान का संविधान है, इसको बीजेपी और आरएसएस खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, फेंक देना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन इस संविधान की रक्षा कर रहा है, इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हिंदुस्तान के आदिवासियों को मिला है, दलितों को मिला है, पिछड़ों को मिला है, आपके जल, जमीन, जंगल का जो हक है, वो सारा का सारा इस संविधान ने आपको दिया है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसको परे किया जाए और उनका पूरा का पूरा राज हो और आपके जो अधिकार हैं वो आपसे छीने जाए। ये उनका लक्ष्य है और हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो भी आज आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मिलता है, वो इसके कारण मिलता है। और बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से, इन लोगों से रिजर्वेशन छीना जाएगा। और मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इनको जो करना है कर लें। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आप देखिए, आपने देखा होगा कि ये जो प्रेस वाले हैं ये आदिवासियों की बात कभी नहीं करते। सही बात है ना? ये अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, बॉलीवुड दिखा देंगे, नाच गाना दिखा देंगे, मगर आदिवासियों पे अत्याचार होगा, आपकी बच्चियों पर बलात्कार होता है, आपकी जमीन छीनी जाती है, तो मीडिया में कभी आपके बारे में नहीं कहा जाता। इसका कारण है भाई और बहनों, मीडिया में, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियों में आदिवासी आपको एक भी नहीं मिलेगा। एक एंकर, एक पत्रकार आपको आदिवासी वर्ग का, दलित वर्ग का, पिछड़े वर्ग का नहीं मिल सकता, है ही नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियों में देखिए, 200 बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालिए, आपको उस लिस्ट में एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा। ये देश की सच्चाई है। और जो आपका है उसको भी ये लोग छीनने की कोशिश करते हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब हिंदुस्तान के, इस जमीन के पहले मालिक। अगर आप इस जमीन के, इस जंगल के पहले मालिक हो, अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं,
तो उस जंगल का, जमीन का अधिकार सबसे पहले आपको मिलना चाहिए। हमने आपको जमीन अधिकरण बिल दिया, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, पैसा कानून दिया, और जो भी हम करते हैं आपके लिए, आपके हक के लिए, जैसे इनकी सरकार आती है उसको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, पूरा का पूरा बजट वो बांटते हैं। 90 कितने अफसर हैं? एक अफसर है। 90 में से एक अफसर आपका है, 8% आपकी आबादी है, पिछड़ों की 50% आबादी, उनके 3 अफसर, दलितों की 15%, उनके 3 अफसर। और भाइयों और बहनों, अगर बजट में 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं, 100 रुपए में से 10 पैसे की आपकी भागीदारी है। आपके लोग ना मीडिया में दिखेंगे, ना कॉरपोरेट इंडिया में दिखेंगे, ना बड़े बड़े अस्पतालों को चलाते हुए दिखेंगे, ना बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी को चलाते हुए दिखेंगे। आपकी इस देश में कोई भागीदारी नहीं है। यह देश की सच्चाई है कि आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की इस देश में कोई भागीदारी नहीं है। इसको हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में आपकी भागीदारी हो, मीडिया में आपके लोग हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपके लोग हो, सरकार में आपके लोग हो, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर में आपके लोग हो। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं। जाति जनगणना से आपको पता लग जाएगा कि आपकी आबादी कितनी है और देश की संस्थाओं में आपकी भागीदारी कितनी है। इकोनॉमिक सर्वे होगा और सबको पता लग जाएगा कि इतने परसेंट आदिवासी हैं, इतना धन उनके हाथ में है, इतनी संस्थाओं में उनके लोग हैं। यह क्रांतिकारी काम है, इससे हिंदुस्तान की राजनीतिक बदलने जा रही है और हम ये आपके लिए करने जा रहे हैं। दूसरा काम, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, अरबपतियों को पैसा दिया। हमने मन बना लिया है कि अगर वो अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पैसा दे सकते हैं। उन्होंने अभी, आप ठहर जाइए, ताली अभी मत बजाइए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके बाद ऑटोमेटिक ताली बजेगी, देखना। भाइयों और बहनों, उन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी, आदिवासी परिवार, दलित परिवार, पिछड़ों के परिवार, किसानों के, मजदूरों के, गरीब जनरल कास्ट के परिवार, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में हम 10,000 रुपए नहीं, 30,000 नहीं, 50 नहीं, 70,000 नहीं, 80,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1,00,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में हम डालने जाएंगे। बजीना ताली, 1,00,000 रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में जाएगा। हर महीने 8,500 रुपए, हर साल 1,00,000 रुपए, उस दिन तक जिस दिन तक वो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा। क्रांतिकारी काम।
करोड़ों परिवार के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा। किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देने जा रहे हैं। आपको अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, धान के लिए, जो भी आप उगाते हो उसके लिए कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कम से कम दाम आपको गारंटी करके कानून दिलवाएगा। जैसे ही सरकार आएगी वैसे ही हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, सारे के सारे किसानों का कर्जा माफ। और आदिवासी युवाओं के लिए, दलित पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए, गरीब जनरल कास्ट के युवाओं के लिए हम एक नई योजना लाए हैं, पहली नौकरी पक्की। मोदी जी ने झूठ बोला, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू कर दी, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वालों को खत्म कर दिया, बंद कर दिया। देश में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आपके लोग मध्य प्रदेश से गुजरात जाते हैं मजदूरी करने, इसीलिए हम ये योजना ला रहे हैं। पहली नौकरी पक्की का मतलब, जैसे अमीर घर के बच्चे 1 साल की नौकरी लेते हैं, उसमें उनकी ट्रेनिंग होती है, पैसा मिलता है, वैसे ही हम हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को 1 साल की नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी और 1 साल के 1 लाख रुपए हर युवा के बैंक अकाउंट में हम डाल देंगे, 8,500 रुपए महीने के।